हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अचारी सत्तू का छनुआ लिट्टी बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी ना इतना अच्छा, इतना चटकदार लगता है, चटपटा, कि इसके सामने आपको बाहर का नाश्ता बिल्कुल भी फीका लगेगा। और यहाँ पर एक सूप बनाना बहुत ही आसान है, मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना करके देखें। और घर में बहुत आसानी से बनता है और सबको पसंद आएगा। इस तरह से नाश्ता मिले तो कौन पसंद नहीं करेगा घर में खाना। तो मैं यहाँ पर चोखा भी बनाऊंगी साथ में। तो इसके लिए ली हूँ मैं 2 बैंगन और 2 टमाटर, और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो आलू बैंगन टमाटर का मैं चोखा बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं बैंगन को आग में पकाऊंगी, मतलब गैस की आग पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, तो इससे ना जलेगा नहीं, मतलब अच्छे से पकता है बैंगन जब हम गैस पर पकाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर तेल लगा लेने से, और यहाँ मैं चेक कर ले रही हूँ पहले कि कहीं अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो इसी तरह से पहले चेक कर लेना है, बैंगन में अक्सर कीड़ा होते हैं अंदर। बाहर से तो साफ़ ही दिखते हैं पर अंदर कीड़े होते हैं। तो इसको अच्छे से पहले एक साइड का इस तरह से थोड़ा सा कट लगाएंगे, और बीच से इस तरह से चीरा लगाएंगे, और देख लेंगे हम कि कहीं अंदर कीड़े ना हो। और बिल्कुल फ्रेश बैंगन लेना है हमें इस तरह का, और देखिए बिल्कुल साफ है। तो हम इसी तरह का बैंगन को पका करके और इसका चोखा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर गैस ऑन कर दी हूँ, और यहाँ पर रख दे रही हूँ बैंगन को और साथ में टमाटर को भी, और इसको अलटते पलटते रहेंगे। तक बैंगन और टमाटर पक रहे हैं, मैं उसे अलटते पलटते ही रहूँगी, तब तक मैं आटा लगा करके तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आटा में डाल रही हूँ अजवाइन 1/2 चम्मच, और इसमें साथ ही में डाल दूँगी मैं नमक 1/2 चम्मच। तो अजवाइन ज़रूर से डालें, ये पाचक भी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ साथ ही में डालेंगे घी, मैं 2 चम्मच ली हूँ, तो घी ज़रूर ही डालें आटा लगाने में। और ये मैं मेल्ट करके ली हूँ, तो घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है, बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही खुशबूदार लिट्टी बनता है। तो घी ज़रूर से ही डालें, और इसको सबको मिला लेंगे हम अच्छे से, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। ना हम गीला रखेंगे ज़्यादा और ना ही ज़्यादा टाइट। तो यहाँ पर मैं आटा लगा करके तैयार कर ली हूँ, और ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छे से मुलायम आटा है, और ये ना अधिक गीला है और ना ही अधिक सख्त है। तो यहाँ पर इस तरह से आटा लगा करके पहले तैयार कर लेते हैं, और इसको हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैं इसे ढक करके रख दे रही हूँ, और इसको इसके बाद हम चोखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चोखा बनाने के लिए आलू बॉईल कर ली हूँ। तो आलू को छील करके और अच्छे से हम मैश कर लेंगे। मैंने गरम आलू को ही छील रही हूँ, गरम आलू के ही चोखे बहुत अच्छे बनते हैं, ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा लसलसापन हो जाता है। तो आलू को गरम गरम ही छील करके और इस तरह से मैश करके रखेंगे हम। और यहाँ पर तब तक बैंगन और टमाटर भी पक गए हैं, तो यहाँ मैं उसे निकाल करके और एक प्लेट में रख ली हूँ, और इसका छिलका उतार लेती हूँ। ये देखिए कितने आसानी से छिलका इसका उतर रहे हैं, बाहर से तो जला जला सा लग रहा है पर ये अंदर से बहुत अच्छे से पके हैं और अंदर बिल्कुल भी नहीं जले हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बैंगन को पकाइएगा ना, तो बहुत अच्छे से पकता है। देखिए कितना आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है। और हमें इसी तरह से बैंगन और टमाटर का चोखा और आलू भी साथ में मिलाएंगे, और तीनों चीज़ों का हम चोखा बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी देखिए मैं छील ली हूँ, और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे बैंगन को और टमाटर को भी। तो यहाँ पर मैं काटा वाला चम्मच से इस तरह से मैश कर रही हूँ, इससे बहुत आसानी से होता है। उसके बाद हम इसे डाल लेंगे एक बड़े बर्तन पर, और हम सारे ये आलू और बैंगन टमाटर सभी को एक ही में मिक्स करेंगे। तो इसका हमें चोखा बनाना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, और साथ ही में डाल दूँगी धनिया पत्ती, और ये हरी मिर्ची और लहसुन। तो हरी मिर्ची कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, और अगर लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं की हूँ। और 1 चम्मच भर के सरसों का तेल डालेंगे। तो इस चोखा में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर से ही डालें। और उन्हें मिला करके हम अच्छे से रख दिए, और यहाँ पर सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सत्तू ले ली हूँ, और इसमें डाल दे रही हूँ नमक और ये अजवाइन। तो अजवाइन आटा लगाते समय भी हम लोग डाले हैं, और यहाँ सत्तू में भी डालेंगे। तो यहाँ पर अजवाइन बहुत अच्छा लगता है, तो अजवाइन को स्किप ना करें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन, इसको बारीक बारीक काट करके, और ये
हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, एकदम चटकदार से सत्तू बनता है। तो जितना अच्छा से सत्तू बनेगा उतना ही चटकदार हमारा लिट्टी लगेगा। तो मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ, एक बड़ा साइज़ का प्याज था जिसे बारीक बारीक काट लिए हैं, तो अब मीडियम साइज़ का प्याज है तो दो प्याज ले करके और बारीक काट लें। और यहाँ पर धनिया की पत्ती डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे दो चम्मच भर के सरसों का तेल। तो सरसों का तेल को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, एक नींबू पूरा निचोड़ करके, इसे एकदम चटपटा टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको चटपटा करने के लिए अचार का मसाला डाल रही हूँ, आम का अचार का, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है और इसे एकदम चटपटा लगता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ मैं एक छोटा टुकड़ा आम का अचार है और उसका मसाला है, तो मैं इसे डाल रही हूँ और इसको अब सबको मसल करके और मिलाएंगे। तो पहले अचार को हम अच्छे से इसका गुठली को निकाल लेंगे, एक छोटा टुकड़ा अचार है उसको मसल करके, और इसका गुद्दा और मसाला को हम मिलाएंगे इसमें और इसका गुठली को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसका छोटा वाला जो गुठली है यहाँ अचार का, उसको हम यहाँ देखिए मैं निकाल ली हूँ। और अब इन सभी चीज़ों को हम सत्तू में मिला देंगे। तो इस तरह से अगर आप इसका मसाला तैयार करेंगे सत्तू, तो बहुत ही चटपटा लगता है और आप होटल रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे, आपको बिल्कुल बेस्वाद लगेगा। घर का खाना बहुत अच्छा बनता है, इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनता है और बहुत कम समय में ही बनता है। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे और देखिए अभी ये थोड़ा सूखा सूखा सा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसको मुट्ठी बनने जैसा हम बना लेंगे। एकदम से सूखा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हल्का सा हम पानी डाल करके और एकदम मिलाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, बस 2-3 चम्मच। तो ये अभी भी थोड़ा सा सूखा लग रहा है और ये मुट्ठी बंधने पर नहीं बंध रहा थोड़ा सा, देखिए। तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 2 चम्मच, और इसको अच्छे से फिर से मिला लेते हैं। और इसी तरह से हम इसका सत्तू तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैं अभी टमाटर डालने भूल गई थी, तो मैं एक टमाटर को बारीक काट करके डाल रही हूँ, तो टमाटर भी बहुत अच्छा लगता है, तो टमाटर को भी स्किप ना करें और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट करके और इसको इस तरह से मसल कर मिला लेंगे। टमाटर को अगर पहले डालने से ये बहुत ही आसानी से सब अच्छे से मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर भूल गई थी और अभी मैं इसे मसल करके फिर से मिला लेती हूँ इस तरह से। तो हमारा सत्तू बन करके रेडी है, देखिए। तो अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर आटा तो गूंथ करके रखे हुए हैं और ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, और अब हम इसको इस तरह से लोई तोड़ करके और तैयार कर लेते हैं, जितना बड़ा हमें लिट्टी बनाना है उस तरह से। तो हम पहले बना करके रख लेंगे तो छानने में आसानी होगा। तो हम इसी तरह से छोटे छोटे इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे आटे का, और इसमें हम सत्तू भरेंगे। तो यहाँ पर मैं चकले पर इस तरह से गोल गोल घुमा करके और इसको गोल कर ली हूँ, इसे बहुत आसानी से गोल हो जाता है। और यहाँ पर सूखा आटा लगा करके और इसे अंगूठे की मदद से इस तरह से हम इसको कटोरी का शेप देंगे, और बहुत अच्छे से ये कटोरी बनता है इस तरह से बनाने से। और इसमें डाल देंगे हम मसाला सत्तू का, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर करके मसाला ले रही हूँ, और इसको कम या ज़्यादा आप भर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अंदर की ओर दबा देंगे ऐसे ना, तो ये बहुत अच्छे से फूलता है और बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर अभी देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, पर छन के ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से बना लेंगे और हल्का सा चिपटा कर देंगे इस तरह से, तो ये गोल गोल हो जाएगा छनने के बाद, और बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं और बाकी, और इसी तरह से बनाते जाएंगे और छानते जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर 4 से 5 पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी इसमें भर लूँगी। तो देखिए इस तरह से अंगूठे की मदद से हम इसका कटोरी का शेप देंगे, और बहुत आसानी से इस तरह से कटोरी बनता है। और इसको हल्का सा इस तरह से दबा देंगे तो सत्तू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं यहाँ पर बना ली हूँ 4 से 5, और यहाँ तेल में गर्म होने के लिए रख दी थी कढ़ाई पर, और इसको इस तरह से डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें हम एक साथ 4 से 5 लिट्टी छान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 लिट्टी छान रही हूँ, क्योंकि ये फूल करके थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर आपका चौड़ा तली का अगर कढ़ाई है तो आप उसमें 5-6 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसको थोड़ा देर पकने के बाद अलट पलट करके हम पकाएंगे, तो इस तरह से इसको पलट देंगे तो दोनों साइड से अच्छे से
पकेगा और एकदम सुनहरा कलर आने तक इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, इसका गोल्डन कलर हो जाएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको एकदम मीडियम आंच पर हम पकाएंगे और इससे अंदर से भी बहुत अच्छे से पकेगा और बाहर तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा से पक रहा है, एकदम सुंदर सा कलर आ गया है और जितना सुंदर दिख रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। लिट्टी के सामने आपको समोसा कचौड़ी वगैरह सब फीका लगेगा होटल का, और आप घर में इस तरह से बना सकते हैं। कितना सुंदर, कितना सुनहरा कलर आ गया है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे और मांग मांग कर सब लोग खाएंगे। तो इसी तरह से बनाइएगा और इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अचार ली हूँ और प्याज और जो चोखा बना करके रखे हैं वो है। तो इस तरह से हमारा आज का नाश्ता बन चुका है। आप इसको रात के खाने में भी खा सकते हैं और सुबह सुबह में अगर इस तरह का नाश्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है। तो दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही बनता है। इतना अच्छा जो लिट्टी बना है देखिए अंदर से किस तरह से है और बाहर तो एकदम क्रिस्पी है ही और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसी तरीके से बनाइएगा, सबको पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।